पीछे वाला भी लीजिए बस लेकर के रजिस्टर में लेकर के कहाँ है वो यहाँ रजिस्टर चेक करने पे बरामद हुआ है। उनको रोका गया है जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, आ रही है वो, उसके बाद तय होगा। और इसमें आरोप जिन्होंने सिग्नेचर करी है उनका कुछ नहीं कहना, वो धीरे से अंदर चले गए। एसडीएम खलीलाबाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये पकड़ा किसने है जी? हमने पकड़ा लोगों ने पार्टी के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ता। ये एक हमारे कर्मचारी के पास एक कॉपी में दो बैलेट पेपर मिले हैं जो कि यूज नहीं है, और जो ईवीएम में लगते हैं वो वाले बैलेट है। अब ये चूक है, इसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अभी किन परिस्थितियों में हुआ, क्या किसी की संलिप्तता है, क्या है, वो हमारी जांच में सामने आया। नहीं, नायब साहब का है जो भी आपने दिया था इसको रजिस्टर ले जाने के लिए। सर के अर्दरी ने कहते कि वो गाड़ी दफा दी, कैसे बात की अर्दरी गाड़ी दफा रहे थे पीछे। ये बताइए कि ये आपके ये साइंट वाले ये यहाँ कैसे भाग घूम रहे हैं? आपके तो ये गिनती के होने चाहिए ना, सारे नंबर वाले ये ऐसे किसी के पास भी कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम। आप ये चूक से हो गया? नहीं, चूक से की बात नहीं है, ये तो हम जान आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है कहाँ पे। ये आप अपने सारे पहली बात तो मिलान करिए, जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर दो बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन थी। तो आरो साहब यही है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, नहीं, 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 तो दिया। आरो साहब एफआईआर दर्ज कराएंगे, ये झूठ है, ये 100% झूठ है। अब इसमें क्या है इंटेंशन थी, गलती थी, वो एफआईआर की जांच में हमें मिलेगा। आप एफआईआर आज ही दर्ज कराएंगे, ये नहीं, ये आपको नहीं मिलेगा। सारे रजिस्टर हमें, जी ये रजिस्टर है, आप रजिस्टर उठाइए वहां भाई। सारे रजिस्टर दे दीजिए।